जंग टून्स लेकर आया है मोटिवेशनल स्टोरीज, बड़ी मजेदार। अगर तुम भी मेरे दोस्त बनना चाहते हो तो ओजांग टून्स को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आई लव ओजांग टून्स। आज की कहानी है दर्जी की सीख। एक दिन स्कूल में छुट्टी की घोषणा हो गई और एक दर्जी का बेटा बड़ा खुश स्कूल से लौटते वक्त अपने पिता की दुकान चला गया। वहां जाकर वह बड़े ध्यान से अपने पिता को काम करते हुए देखने लगा। उसने देखा कि उसके पापा कैंची से कपड़े को काटते हैं और कैंची को पैरों के पास टांगों में दबा कर रख लेते हैं, फिर सुई से उन कपड़ों को सीते हैं और सीने के बाद सुई को अपनी टोपी में लगा लेते हैं। जब उसने इसी क्रिया को 4 से 5 बार देखा तो उससे ब्रहान आ गया और उसने अपने पिता से कहा कि वह एक बात उनसे पूछना चाहता है। पिता ने कहा, बेटा बोलो, क्या पूछना चाहते हो? बेटा बोला, पापा पापा, मैं आपको बड़ी देर से देख रहा हूँ। आप जब भी कपड़ा काटते हैं, कपड़ा काटने के बाद कैंची को पैरों के नीचे दबा लेते हैं और सुई से कपड़ा सीने के बाद उसे अपनी टोपी पे क्यों लगा लेते हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने के पीछे क्या कारण है पापा? इसका जो उत्तर उसके पिता ने उससे दिया, उन 2 पंक्तियों में मानो उसने जिंदगी का सार समझा दिया उसे। उसका उत्तर था, बेटा कैंची काटने का काम करती है और सुई जोड़ने का काम करती है, और काटने वाले की जगह हमेशा नीचे होती है परंतु जोड़ने वाले की जगह हमेशा ऊपर होती है। यही कारण है कि मैं सुई को टोपी में लगाता हूँ और कैंची को पैरों के नीचे रखता हूँ। तो देखा दोस्तों, इस कहानी में सीधी सीधी बात समझा दी गई कि अगर आप किसी को तोड़ने का काम करते हैं या किसी से ईर्ष्या करते हैं तो आपको सदैव ही नीचे का दर्जा मिलेगा, किंतु अगर आप लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो आपको सदैव ही सर आंखों पर रखा जाएगा।